हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप एक बार बना के खाइएगा तो ये आपकी फेवरेट मिठाई बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू किया जाए। मलाई रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ गाय का आधा लीटर दूध लिया है। आधा लीटर दूध से सबसे पहले मैं मलाई बनाऊँगी। गैस पर दूध का कढ़ाई रख दिया है मैंने और गैस ऑन कर देती हूँ। अब गैस के फ्लेम को हाई फ्लेम में करके हमें दूध को सबसे पहले उबाल लेना है। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 1/3 कप शक्कर। इसे मिला लेना है इस तरह ताकि शक्कर मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप मिल्क पाउडर। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि गर्म दूध में मिल्क पाउडर जल्दी नहीं घुलती है। इसे इसी तरह चला चला कर शक्कर और मिल्क पाउडर को मेल्ट कर लेना है। इसके बाद मैं डालूंगी 1 चुटकी केसर। इससे मलाई में कलर अच्छी आएगी। फिर मैं डालूंगी 2 इलायची जिसका छिलका मैंने थोड़ा सा हटा लिया है और इसे मैं दूध में डाल देती हूँ, लेकिन बाद में सर्व करने से पहले दोनों इलायची को निकाल लूँगी। मैंने इसे डाला है सिर्फ दूध में फ्लेवर के लिए। और मलाई बनाने के लिए दूध को चलाते चलाते हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा बना लेना होगा। मलाई रोल बनाने के लिए मलाई ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। देखिए मैंने दूध को चलाते चलाते थोड़ा गाढ़ा बना दिया है। बस हमें इतना ही गाढ़ा मलाई चाहिए मलाई रोल के लिए। तो मलाई बनकर तैयार है। अब मैं गैस ऑफ करके मलाई को उतार लेती हूँ। अब हम मलाई रोल के लिए मावा बना लेते हैं। गैस को ऑन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें 2 कप गाय का दूध पैन में डाल लेती हूँ। मैंने दूध ले लिया है। अब गैस को हाई फ्लेम में करके दूध को उबाल लेना है। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून बटर। इसके बाद इसमें डालना है 1 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर मैंने मलाई में भी डाला था, इसीलिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ही शक्कर डाला है। आप इसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इसके बाद 1/4 कप काजू जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद 1/2 कप मिल्क पाउडर, इसे हमें डाल देना है और इसे चलाते चलाते हमें मिला लेना है। और सबसे लास्ट बारीक पीसी हुई 4 इलायची। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें चलाते हुए मिला लेना होगा और इसे गाढ़ा बना लेना होगा। अब देखिए दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसे इसी तरह चलाते रहें ताकि नीचे तले में चिपके ना और ना ही जले। इसी तरह इसे 5 से 7 मिनट तक चलाते रहें ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। देखिए दूध गाढ़ा होते होते मावा बनने लगा है। हमें थोड़ा और चला के इसे ज़्यादा गाढ़ा करना है ताकि मलाई रोल अच्छी बन पाए। इसी तरह चलाते हुए हमें और ज़्यादा गाढ़ा करना है। आप देखिए अब इसमें एक थिकनेस आ गया है। अब मावा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूँगी और मावा ठंडा होने पर थोड़ा और जम जाएगा। मैंने यहाँ ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए 10 पीस ब्रेड लिया है। इन सभी ब्रेड्स का हमें साइड का ब्राउन हिस्से को काट लेना है इस तरह धीरे धीरे चारों तरफ का। इन सभी ब्रेडों को मैं इसी तरह काट लूँगी। देखिए मैंने सारी ब्रेड्स के ब्राउन साइड को काट लिया है। अब मैं ब्रेड को बेलन से बेल लूँगी ताकि थोड़ा ये पतला हो जाए इस तरह। याद रखिएगा कि ब्रेड आपको ताज़ा ही लेना है, नहीं तो ये रोल नहीं हो पाएगा।
इस तरह हमें सारी ब्रेड को एक एक करके बेलन से बेलकर चाप लेना है। देखिए मैंने सारी ब्रेड्स को बेलन से बेलकर चाप लिया है। अब मैं इसमें मावा डालकर इसे रोल बना लूँगी। देखिए मैंने चम्मच से मावा लेकर ब्रेड के बीचों बीच रखा है और इसे थोड़ा सा लम्बा करके रखूँगी इस तरह। फिर इसे धीरे से मोड़कर रोल बना लूँगी इस तरह और इसे साइड में रख देती हूँ। तो चलिए और एक ब्रेड को कर लेती हूँ इसी तरह। फिर से मावा लेती हूँ और ब्रेड के बीचों बीच रख लेती हूँ उसी तरह। फिर इसे भी धीरे से मोड़कर रोल बना लेती हूँ इस तरह से। हम सभी ब्रेड रोल में मलाई रखकर इसी तरह ब्रेड रोल बना लेंगे। सर्व करने से पहले मलाई से इलायची को निकाल लेती हूँ जैसे मैंने पहले कहा था। देखिए मैंने सारी ब्रेड्स को रोल बना लिया है। अब मैं इन सभी ब्रेड रोल के ऊपर धीरे धीरे हमें मलाई को इस तरह डालना है। देखिए मैं चारों तरफ मलाई को डाल रही हूँ। इस तरह करके हमें पूरी ब्रेड रोल के ऊपर मलाई को डाल देना है। देखिए ब्रेड रोल के ऊपर मैंने मलाई डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी चेरी। एक एक करके इस तरह मैं रख दूँगी। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप किशमिश या कटबादाम से भी इसे सजा सकती हैं। अब हमारी ब्रेड मलाई रोल बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे एक बार बनाकर खाइएगा तो आप इसे कभी नहीं भूल पाइएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल सुरभि की रेसिपी को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।